बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का इन्फॉर्मेशनल और जनरल नॉलेज का जो वीडियो है, ये दुनिया के सबसे बड़े प्राइज जिसका नाम नोबेल प्राइज है, इसके बारे में है। अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इन्होंने 1898 में इसका आगाज किया। बेसिकली इन्होंने एक डायनामाइट नामी चीज बनाई थी, और बेसिकली चूंकि ये दुनिया की डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती थी, इसलिए उनको बाद में इसका एहसास हुआ। उन्होंने इस चीज से कमाई हुई तमाम दौलत को एक ट्रस्ट में कन्वर्ट किया, जिसको नोबेल ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। दुनिया में आज की तारीख तक 892 नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नोबेल प्राइजेस जो है वो अमेरिका में जीते हैं, जिसमें तकरीबन 400 के करीब यूएसए के, और 137 के करीब इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम के, और 111 के करीब जर्मनी के नोबेल प्राइजेस हैं। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज लिए हैं। 1901 में पीस यानी अमन का नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया, और इस वक्त दुनिया के जिन शोबाजात में नोबेल प्राइज दिया जाता है उनमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, और उसके अलावा अब पीस यानी अमन का नोबेल प्राइज भी है। तो टोटल दुनिया के 892 नोबेल प्राइजेस में से पाकिस्तान के हिस्से में अभी तक 2 नोबेल प्राइजेस आए हैं, जिसमें एक डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने और एक मलाला यूसुफजई को मिला है। बहुत शुक्रिया।